नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर की सीटों पर भाजपा में घमासान जारी, आलाकमान नहीं बदलेगा फैसला। दो दिवसीय दौरे पर आज मिजोरम पहुंचे राहुल गांधी। नड्डा बोले, कर्नाटक में कांग्रेस के ठेकेदारों से 100 करोड़ मिले। राजस्थान में देर रात बारिश के साथ ओले गिरे, आज 22 जिलों में बारिश के आसार। और हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें से 3 प्रत्याशियों का विरोध लगातार जारी है। इसके अलावा जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने हैं, वहीं नाम कटने की आशंका के चलते नेता अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार बीजेपी किसी भी हाल में इस प्रदर्शन को सुधारना चाहती है। ऐसे में लगभग आधी सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। इस बीच आलाकमान ने साफ कर दिया है कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे हैं। कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह करीब 11 बजे आइजवाल पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि राहुल गांधी का लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है। राजभवन के नज़दीक एक पैदल मार्च निकालेंगे। इसके बाद वो विभिन्न वर्गों के स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। शाम में वो छात्रों से मिलेंगे। भक्त चरण दास ने बताया कि मंगलवार की सुबह वो मीडिया से बात करेंगे और फिर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी आइजवाल से लुंगलेई जाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी करप्शन का ATM बना दिया है। अब मध्य प्रदेश और तेलंगाना को भी ऐसा ही ATM बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना चाहती है। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस को वादे करने की कला में महारत हासिल है। अब ये पार्टी एक कदम आगे बढ़कर वादों के बदले में गारंटी देने लगी है। कांग्रेस लूट की ही गारंटी दे सकती है। राजस्थान में मॉनसून की विदा होने के बाद पहला पश्चिमी विक्षोभ रविवार से सक्रिय हो गया। बीकानेर जोधपुर संभाग के जिलों में कल देर शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। जयपुर अजमेर कोटा और भरतपुर संभाग में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और संभावना है कि आज यहां कई जगह हल्की बारिश के साथ कुछ जगह ओले गिर सकते हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगते जिले बीकानेर गंगानगर के कई एरिया में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई और कुछ जगह ओले गिरे। हनुमानगढ़ गंगानगर के एरिया में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा तेज हवा चली। सबसे ज़्यादा बारिश हनुमानगढ़ एरिया में दर्ज की गई। हिमाचल में मौसम ने फिर से करवट बदली है। अधिक ऊंची चोटियों पर पिछले 24 घंटे के दौरान बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी है। इस बीच मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज के लिए बर्फबारी और अन्य क्षेत्र में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 18 अक्टूबर तक पहाड़ों पर मौसम खराब बना रहेगा। आज भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि कल व परसों कुछ एक स्थानों पर ही बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। राजस्थान में एक बार फिर से स्कूलों का समय बदल गया है। आज सोमवार से राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। अभी तक सूबे में स्कूल सुबह 7:30 बजे से संचालित हो रहे थे। ये स्कूल सुबह 10 से शुरू होकर शाम के 4 बजे तक चलेंगे। वैसे तो शिक्षा विभाग हर बार 1 अक्टूबर से स्कूल के समय में बदलाव करता है, लेकिन इस बार 16 अक्टूबर से स्कूल समय में बदलाव करने का जिक्र अपने संशोधित प्रेस रिलीज में किया था। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को महंगाई राहत कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ गारंटी कार्ड बांटने की फोटो सोशल मीडिया से हटानी पड़ी। चुनाव आयोग के CVG लैब पर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत आई, जिस पर प्रशासन हरकत में आया और दौसा कलेक्टर ने मंत्री ममता भूपेश से फोटो हटवा लिया। आचार संहिता लागू होने के बाद ऐप पर प्रदेश में आचार संहिता उल्लंघन की 3,566 शिकायतें आईं। इनमें से 700 को सही मानते हुए कार्रवाई की गई। सबसे ज़्यादा शिकायतें 490 जयपुर जिले से आई। ऐप पर शिकायत आने के बाद कलेक्टर ने मंत्री ममता भूपेश से बात कर फोटो हटवा दी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व CM वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर एक नई रणनीति पर काम कर सकती है। खबरों की माने तो राजे की नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक फार्मूला अपना सकती है। इसी फार्मूले से कर्नाटक में भाजपा ने BS येदियुरप्पा को साधा था। अब सब कुछ सही रहता है तो वसुंधरा राजे को कैंपेन कमेटी का मुखिया बनाया जा सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस प्रकार से पूर्व CM वसुंधरा राजे की अनदेखी की जा रही है, उससे राजस्थान चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है।
इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा ज़रूरी है क्योंकि गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि हमास ने बर्बरता की है, इस संगठन का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन फिलिस्तीन लोगों के लिए भी देश होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। वहीं अगर इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। मीडिया समाचारों के मुताबिक आने वाले दिनों में बाइडेन इजराइल जा सकते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर एक्सप्रेस हाईवे इंटरचेंज के समीप 20 अक्टूबर को ERCP परियोजना को लेकर होने वाली आम सभा के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ की तैयारी में जुटे हैं, तो चुनावी आचार संहिता को लेकर प्रशासन भी इस आम सभा को लेकर खास अलर्ट है। आम सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित प्रदेश भर के आला नेताओं के आने की बात कही जा रही है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नौकरी देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में 16 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं 6 वेंडर एंटिटी को भी बैन कर दिया गया है और उनके मालिकों और सहयोगी कंपनियों के साथ सभी बिजनेस पर रोक लगा दी गई है। कंपनी ने 15 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में इसके बारे में जानकारी दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल 1.5 महीने से प्रत्याशी चयन में जुटे हैं। कांग्रेस अभी एक भी सीट पर नाम तय नहीं कर पाई है। भीलवाड़ा जिले में मांडल व जहाजपुर को छोड़कर अन्य 5 सीटों पर विभिन्न सर्वे में अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस अब तक जिले में 5 सर्वे करा चुकी है, जो नाम तय माने जा रहे हैं वे भी अभी नई सीट तलाश कर रहे हैं। उधर भाजपा भी कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष वायुयान से आज शाम 4 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालिचा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जोधपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में जोधपुर शहर, जोधपुर देहात उत्तर, जोधपुर देहात दक्षिण, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, बालेसर के स्थानीय राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी सहित पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत रविवार को चूरू के IPS प्रवीण नायक नुनावत ने स्थानीय पुलिस थाने का निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता के पालना के निर्देश दिए और हरियाणा बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से लगाए गए चेकपोस्ट का निरीक्षण कर अति संवेदनशील बूथ तथा हरियाणा बॉर्डर का निरीक्षण किया। हरियाणा बॉर्डर पर स्थित गोठिया बड़ी, गोठिया छोटी, गागड़वास, भाकरा आदि जगहों पर लगाए गए चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार प्रसार करना होगा, ये निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो प्रसारित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार प्रसार के लिए फॉर्म C1 और C2 के माध्यम से विवरण राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों तथा TV चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।